दुर्ग पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की बिक्री करते हुए कातुल बोर्ड से घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ा है, जिससे करीब 4,25,000 कीमत की 209 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किया है। दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ अभियान छेड़ कार्रवाई कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजना शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के मार्गदर्शन और दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में मुखबिर से मिली सूचना पर शंकरनगर निवासी मोन्टू विश्वकर्मा नामक व्यक्ति के द्वारा अवैध लाभ अर्जित करने लोगों को ब्राउन शुगर की पुड़िया रखकर अपनी मोटरसाइकिल से घूम घूम कर बिक्री कर रहा था, जो सतनामी डबरी तालाब के पास कातुल बोर्ड दुर्ग में बैठा पाया गया, जिस पर मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस ने उसे धर दबोचा और उसके पास से 209 ब्राउन शुगर की पुड़िया बरामद की। जब्त तो ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 4,25,000 रुपए बताई गई है। मामले को लेकर दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने इस तरह की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी। अभी दुर्ग पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जियो खोलकर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने एक टीम गठित की है। हर थाना स्तर पर ये टीम गठित हुई है, जो कि एनडीपीएस या जो भी नशा चल रहा है उसके तहत उसमें कार्रवाई करेगी। इसी के तहत मोहन नगर थाना क्षेत्र में हमको सूचना मिली थी कि कातुल बोर्ड तालाब के पास एक देवेंद्र विश्वकर्मा नाम का लड़का ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहा है, जिस पर टीम बनाकर उसकी घेराबंदी की गई और घेराबंदी पकड़ने पर हमको उससे ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और जिसको कार्रवाई कर नियम अनुसार कार्रवाई की गई है। माल कितना बरामद हुआ सर? लगभग 209 पुड़िया उससे बरामद की गई है। मार्केट कीमत लगभग 67,000 के आसपास है। अभी एक आरोपी पकड़ा गया है, देवेंद्र विश्वकर्मा उर्फ मोन्टू। अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें हमको पता चल रहा है कि ये जो सप्लाई है नागपुर से हो रही थी, तो आगे नागपुर में भी जहाँ से ये सप्लाई मिला है वहाँ पर भी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हम लोग अभी नागपुर पुलिस से भी इसके वो करेंगे, नागपुर पुलिस से भी चर्चा की जाएगी और उनसे सहयोग मांगा जाएगा। और गिरफ्तारी के लिए अगर स्टेट जाते हैं तो हमको वहाँ के संबंधित पुलिस से सहयोग सहयोग जरूर लेते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।